हेलो फ्रेंड्स, कैसन बा? अरे चिल डाउन यार, आई नो ये वीडियो लेट आई है, शायद वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लेट आई है। अरे हाँ भाई हाँ। एनीवेज, हम वापस से आपके लिए माइनक्राफ्ट के कुछ जबरदस्त मॉड्स लेकर आए हैं। ऐसे मॉड जिसमें आप टाइम को स्टॉप कर सकते हो, पबजी के मजे ले सकते हो एंड कैसीनो वाले कुछ मिनी गेम्स भी खेल सकते हो। तो ये वीडियो एकदम ऑसम होने वाली है और आप लोगों के लिए मैंने इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दिया है। तो सोच क्या रहे हो यार, वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि इस तरह की आपको कुकिंग वीडियो फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग बॉक्स चेस्ट, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी ऑसम मॉड है। इस मॉड में आपको तीन डिफरेंट टाइप की लॉकेबल चेस्ट देखने को मिलेगी, एक तो इनविजिबल चेस्ट भी है। सबसे पहले तो इन सभी का ओनरशिप लॉक की मदद से क्लेम कर लीजिए। अभी मैंने सबको क्लेम कर लिया है, अब आपको एक सिंपल सी चेस्ट लेकर इन सभी में एड चेस्ट कर देना है। चलो ये भी हो गया, अब आपको इन सभी चेस्ट को ओपन करके इन सभी में बस एक एक लॉक रख देना है एंड इतना कर लेने के बाद आपका चेस्ट पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा लॉकेबल चेस्ट में और अब आप क्राउच करके इजिली इन सभी को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। ये देखो इनविजिबल चेस्ट, बस इसका शैडो नीचे दिख रहा है। ये तीनों चेस्ट काफी ज्यादा सिक्योर है, जिसे आपके अलावा कोई नहीं खोल सकता। बाकी इस अजीब से आइटम की मदद से आप इन सभी चेस्ट को इजीली रूटेड भी कर पाओगे। फिर ये सेकंड वाला चेस्ट लुक वाइज मुझे बहुत ही ऑसम लगा, आपको इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिस्टिक लैंड, ये एक जबरदस्त मॉड है जो कि आपका माइनक्राफ्ट को और भी ज्यादा एडवेंचरस बना देगा। इस मॉड में बहुत सारी चीजें है, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले इस वाले मॉड में आपको बहुत सारे न्यू ब्यूटीफुल ब्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे। नहीं, ये सारे ब्लॉक्स नहीं है, मैंने बस कुछ ब्लॉक को यहाँ पर रखा है। अभी इतने सारे ब्लॉक्स है तो इसमें बहुत सारे फूड आइटम्स भी दिए गए हैं। 10+ न्यू आर्मर्स एंड वेपन्स भी देखने को मिल जाएंगे। वेपन्स में आपको हर टाइप की वेपन शॉर्ट एक्स पिकेक्स से लेकर सवाल तक देखने को मिल जाएगी। स्टोन के कुछ स्टैचू भी अवेलेबल है, जिसे आप हाउस डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। स्टीव कैट और वुल्फ तो साफ साफ पता चल रहा है, बीच में एक और एनिमल है, वो कौन सा एनिमल है वो आप कमेंट में बताना। बाकी इन सब के अलावा इस मिस्टीरियस मॉड में आपको मरमेड भी देखने को मिलेगी। कुछ तो काफी पीसफुल मरमेड है, बट कुछ ऐसी भी मरमेड है जिसे आप देखते ही बोलोगे इपिक हेड्स। इस वाले मॉड में आपको काफी सारी हेड्स देखने को मिल जाएगी। वैसे तो इस वाले मॉड का नाम इपिक हेड्स है, लेकिन इस वाले मॉड की सारी हेड्स इपिक कम और वियर ज्यादा लग रही है। ये देखो कितना लंबा है। अरे यार, मैं इस व्हाइट हेड की बात कर रहा हूँ यार, देखो कितना ज्यादा लंबा लग रहा है। एंड हेड्स के अलावा इस वाले मॉड में चोरी का एक हेलमेट, दो चेस्ट प्लेट एंड एक बूट भी है। एंड एट द एंड इसमें हमें दो शॉर्ट भी देखने को मिलती है। देखने में तो दोनों सेम ही लगती है, लेकिन दोनों में डिफरेंट इतना ज्यादा है कि आप भी डेवलपर को बोलोगे ये सब दुगलापन है। आप खुद देखो, इस शॉर्ट का अटैक डैमेज 7 है एंड इसका देखो यार, लिटरली इतना ज्यादा अटैक डैमेज यार, मेरे से तो काउंट भी नहीं हो रहा। माइनक्राफ्ट का कोई भी मॉब इस शॉर्ट से एक हिट में मरेगा। ये भी गया। सुपर पावर, ये काफी इंटरेस्टिंग मॉड है जो कि काफी सारे मॉड का काम अकेले ही कर देता है। इस वाले मॉड में आपको 10+ डिफरेंट टाइप की पावर्स देखने को मिल जाएगी। लाइक आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, करेक्टर साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो, जंप, टेलीपोर्ट, फ्लाई, इस तरह की और भी काफी सारी पावर है। एंड कुछ पावर बिल्कुल अलग भी है, लाइक ये ड्रिल, इससे आप 1 ब्लॉक के लेयर को बेडरॉक तक माइन कर सकते हो। एंड इस वाली पावर का अगर आप यूज करोगे तो आप जिधर भी जाओगे उधर का सारा एरिया खुद से ही माइन होता रहेगा। अब आप बड़ी जल्दी कहीं भी रास्ता बना सकते हो। खैर, इस वाले मॉड में इसके अलावा भी कुछ और पावर्स है जो कि आप खुद मॉड डाउनलोड करने के बाद चेकआउट कर लीजिएगा। टाइम स्टॉप, अब जैसा कि इस वाले मॉड का नाम है, इस वाले मॉड में आप माइनक्राफ्ट के टाइम को स्टॉप कर सकते हो। इस मॉड में आपको 3 अलग अलग तरह की टाइम स्टॉप मशीन देखने को मिलेगी। टाइम स्टॉप, टाइम रिज्यूम एंड फिलियर टाइम स्टॉप। टाइम स्टॉप से वेदर एवरी एंट्री थ्रोबल वेपन लाइक ट्राइडेंट, एरो, एंडरपल एंड टीएनटी के ब्लास्ट को भी रोक सकते हो। इस मॉड का यूज करके आप एंडरडेगन को भी बिंदास बोल पाओगे। मेरा बाप बदमाश था, मैं ही बदमाश ही हूँ। एंड प्लेयर टाइम स्टॉप मशीन से आप ओनली प्लेयर का भी टाइम स्टॉप कर पाओगे। इस मोड की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे सर्वाइवल में इजीली क्राफ्ट भी कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड की, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ड्रोन एडोन, ये काफी ऑसम ड्रोन एडोन है जिसमें आपको वीआर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सबसे पहले आप इस वाले ड्रोन को रेडस्टोन की मदद से टेम कर लीजिए। टेम करते ही ये ड्रोन उड़ना स्टार्ट कर देगा, जिसे आप कंट्रोलर की मदद से इजीली कंट्रोल भी कर सकते हो। इस वाले ड्रोन में आपको 5 स्लॉट की छोटी सी इन्वेंटरी देखने को मिलती है, जिसमें आप अपना सामान कैरी कर सकते हो। एंड हॉस्टाइल मॉब दिखते ही ये ड्रोन एरो शूट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है। इस वाले कंट्रोलर से आप इसे स्टेबल मोड में रख सकते हो या फिर एक्टिव या डीएक्टिव भी कर सकते हो। एट द एंड अगर आप लोग ये वाला हेलमेट पहनते हो तो आप इसके वीआर कैम का यूज भी कर पाओगे। लिटरली ये वाला फीचर मुझे काफी बढ़िया लगा। आयरन मैन, ये वाला मॉड आयरन मैन फैंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट मॉड है। इस वाले मॉड में आपको 20+ डिफरेंट टाइप के आयरन मैन के सूट देखने को मिल जाएंगे। इन सभी सूट के अलग अलग पावर्स हैं। पावर यूज करने के लिए सिंपली आपको क्राउच करना, सारी पावर का नाम दिख जाएगा, जो वाली पावर यूज करना है वहाँ पे खड़े हो जाना है, डिस्प्रिंट करना है। सभी सूट के डिफरेंट पावर है, यानी आप बहुत सारी पावर को एक्सप्लोर कर पाओगे। एंड सूट पहनने का एनिमेशन भी काफी रियलिस्टिक रहता है। इंपॉर्टेंट बात, इस मोड को खेलने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट गेम प्ले के साथ एजुकेशन एडिशन भी ऑन करना पड़ेगा। बाकी डिटेल आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी।
अर्किड क्राफ्ट। आई नो कि ये वाला एडोन आपको बहुत पसंद आएगा, मगर क्यों? क्योंकि इस वाले एडोन में आप बैट यानी सट्टा लगा सकते हो। अबे साले, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। इस वाले मोड में आपको 3 डिफरेंट टाइप के मिनी गेम्स देखने को मिल जाएंगे, जिसे सबसे पहले आप एक्टिवेट की मदद से टेम कर लीजिएगा। टेम हो जाने के बाद आप इसे इजीली यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ क्वेंस की जरूरत पड़ेगी। मैंने तो ऑलरेडी क्रिएटिव इन्वेंटरी से काफी सारा क्वेन निकाल रखा है, आप चाहो तो क्राफ्ट कर सकते हो। आप एसएमपी वगैरह में इस वाली मशीन को लगाकर काफी सारा क्वेन अर्न कर सकते हो। जो भी इस मशीन को यूज करेगा उसे क्वेन इसमें डालना पड़ेगा और वो क्वेन आपकी मशीन में जमा होता रहेगा। और ये मशीन रियली काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, जिससे आपका वर्ल्ड और एसएमपी और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। इन सभी मशीन को आप सर्वाइवल में इजीली क्राफ्ट कर सकते हो और इस टॉय मशीन से मिले टॉय का डेकोरेशन के लिए यूज भी कर सकते हो। खैर, मैंने यहाँ पर काफी सारा क्वेन वेस्ट कर दिया और मुझे एक भी टॉय मिला नहीं, जिसके लिए मैं मशीन को कहना चाहूंगा, ये जो प्रोडक्ट है ना, इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। ऑब्सीडियन बोट। हम सभी को जब माइनक्राफ्ट में तेज भागना होता है तो हॉर्स का यूज करते हैं, पानी में तेज भागना होता है तो बोट का यूज करते हैं, लेकिन नेदर में हर जगह लावा है। लावा में ना हम बोट चला सकते हैं ना हॉर्स चला सकते हैं, बस इस अजीब से जानवर के अलावा। लेकिन अगर आप इस मॉड को इंस्टॉल करते हो तो इसमें आप 5 ऑब्सीडियन और एक नेदरराइट शवल की मदद से एक ऑब्सीडियन बोट क्राफ्ट कर पाओगे। इस बोट को पानी में भी चला सकते हो और लावा में भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मॉड रियली मुझे बाकी सभी मॉड से ज्यादा यूजफुल लगा और आई नो कि आपको भी पसंद आया ही होगा। प्रोजेक्ट वॉकर। ये मॉड आपके माइनक्राफ्ट को पबजी में कन्वर्ट कर देगा। इस मॉड में आपको पबजी की ऑलमोस्ट सारी चीजें लाइक हेलमेट, वेस्ट, गन्स सब कुछ देखने को मिलेगा। गन्स में आपको बहुत सारी गन्स देखने को मिलेगी, लाइक पिस्टल, एसएमजी, एआर, शॉटगन, स्नाइपर सब अवेलेबल है। ऑनलाइन प्लेयर को तो इसमें ऐड कर नहीं सकते, इसलिए इसमें बहुत सारे न्यू जॉम्बी को ऐड किया गया है, जिसे मारने पर आपको लूट क्रेट देखने को मिलेगा। लूट क्रेट में आपको यहाँ पर मेडकिट, एनर्जी ड्रिंक और गन्स देखने को मिल सकती है। पबजी के सारे हाउस भी अवेलेबल है, जहाँ से आपको काफी अच्छी लूट भी मिल सकती है। खैर, ये कंप्लीट पबजी मोड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की एपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में भी देखने के लिए। और हाँ, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, तो ज्वाइन कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।